प्रधानमंत्री जी ने सुबह ही 10 बजे आके कह दिया है कि भाई 3 मई तक हमारा लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अभी जो हमें रिजल्ट की उम्मीद थी वो रिजल्ट नहीं आए हैं। तो अच्छी बात है, हम प्रधानमंत्री जी के पूरी तरह साथ हैं, लेकिन लॉकडाउन में भी सुबह से लेकर दोपहर 1 बजे तक हमारे यहाँ काफ़ी गाड़ियाँ उत्तराखंड में हरिद्वार में यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ सड़कों पर हैं, लोगों को ज़रूरी चीज लेने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन की जो सख्ताई है हमारे यहाँ इतनी नहीं है। ये देश रक्षक है, यहाँ से लेफ्ट टर्न करते ही हमारा कृष्णा नगर मार्केट आएगा और लॉकडाउन की स्थिति है। पुलिसकर्मी बैठे हैं, हमारे मुस्तैद पुलिसकर्मी यहाँ मुस्तैद बैठे हैं। बजे तक हमारे यहाँ छूट है काफ़ी, तो लोगों को सामान लेने में बाहर निकलने में ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो इसलिए। स्वामी श्रद्धानंद जी का चौक, तो हमने गंग नहर पार कर ली है और चलते हैं शंकर आश्रम की ओर। पूरी जो मार्केट है वो बंद है, क्योंकि ज़्यादातर मोटरसाइकिल स्टिकर वगैरह का काम होता है यहाँ पे, सर्विस वगैरह का, और जो गाड़ी पे स्टिकर वगैरह चलते हैं, और पूरी मार्केट बंद है। सामने शंकर आश्रम की भी सारी दुकानें बंद हैं, बिल्कुल खाली सुनसान शंकर आश्रम है, जैसे अब से 20-25 साल पहले रहता था, जब छोटे होंगे साइकिल पर चलाते थे, वैसा ही शंकर आश्रम फिलहाल दिखाई दे रहा है। मेन रोड जो हरिद्वार की है शंकर आश्रम शहर की पौड़ी तक वाली, उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़ की मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से ज़्यादा भीड़ है। शायद 22 मार्च के बाद आज पहली बार ही आया हूँ इस रोड पर, हरिद्वार की मेन रोड है। हार्ट ऑफ द हरिद्वार है रानीपुर मोड़, जैसे कनॉट प्लेस है दिल्ली में, वैसे ही हमारा रानीपुर मोड़ है, नया रानीपुर मोड़। और हमारा बैंक बंद है, IDBI बैंक, तो हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट। पुलिसकर्मी यहाँ पर भी मुस्तैद खड़े हैं। शहीद भगत सिंह चौक रिनोवेशन चल रहा है, इस रोड पे भीड़ कम है। ये सेक्टर 2 बैरियर आएगा कि राइट साइड में, सेक्टर 1 बैरियर से सेक्टर 2 बैरियर बाहर बाहर वाली रोड है ये। हम चलते हैं आगे ज्वालापुर की ओर। सैंड
मैरीज स्कूल के सामने वाली रोड है, सारी दुकानें लगभग बंद। आवश्यक सामानों की दुकान ही खुली है। खाना वाना मट रहा है। दोपहर के 11 बजे हैं। ज्वालापुर इंटर कॉलेज के सामने वाली रोड है ये हमारा ज्वालापुर इंटर कॉलेज, और बुधवार जितनी ही भीड़ है, मतलब छुट्टी वाला दिन जो होता है मार्केट का, उतनी ही भीड़ है। सफाई कर्मी हमारे बेचारे सेवा भाव से अपने लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन सफाई कर्मियों का, सभी भारतवासियों की ओर से। ज्वालापुर फाटक से कटारा बाजार वाली रोड है। स्टोर्स खुले हैं, फलों की दुकान है, सब्जियों की दुकान, ठेलियाँ लगी हुई हैं। यहाँ भी नेसेसरी आइटम्स की दुकान ही खुली है। 14 अप्रैल आ गई ट्रक यूनियन। ट्रक यूनियन पे ज़्यादातर ये स्टील आइटम्स की दुकान है, ये ढाबे वाबे हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण ये क्षेत्र सील है। कोरोना पॉजिटिव होने के कारण ये क्षेत्र सील है, और ये हरिद्वार का मेन मुस्लिम इलाका है, कसाबान मोहल्ला कहते हैं इसको। यहाँ पे ज़्यादातर लोहे स्टील का काम होता है, तो पूरी मार्केट बंद है। अच्छा, एरिया सील है, लेकिन लोग आ रहे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया सील होने का वहाँ पर उन्होंने लगा रखा है, लेकिन आने जाने पे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक अब हम आ गए ज्वालापुर कोतवाली के बिल्कुल सामने। शायद 1 बजे के बाद भीड़ काफी कम हो जाती होगी।